हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएँ बड़े बुजुर्गों के सामने हमेशा बच्चे रहते हैं आ, रियल लाइफ की बात करें या रील लाइफ की बात करें रियल लाइफ में भी मैं बच्चा हूँ जब मम्मी होती हैं पापा होते हैं तो उनकी गोद में ही सर रख के सोना मुझे पसंद है लेब पे सर रख के पसंद है नानी है तो उनके हाथ पे लेटना पसंद है और रियल लाइफ की बात करें तो भी जब वेदिका जी यूडी दादू मेरे बड़े जितने भी हैं तो उनको उनके सामने मैं थोड़ा बच्चा ही हूँ जब तक कि कोई कांड ना हो जब तक कि मुझे कोई बिजनेस में लॉस ना हो इमेज का कोई चिंता ना हो तो मैं थोड़ा सा एंग्री हो जाता हूँ जब इमेज की बात आती है लेकिन बाकी सब के साथ सॉफ्ट ही हूँ अपने परिवार के साथ तो आज भी वही था यूडी बड़े प्यार से मुझे मिठाई खिला रही थी और प्यार दे रही थी उन्होंने बोला तुम्हारे तो लिए कुछ गिफ्ट है तो मैंने कहा गिफ्ट है तो क्या है बता दो लेकिन उन्होंने नहीं बताया तो हम दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे से नोक झोंक चालू थी हमारी तो वो एक क्यूट हरकत थी और आई थिंक वो सीन देखने में बहुत मज़ा आएगा मुझे ख़ुद को भी देखना है नित्यम की ना पहले चली जिससे वो शादी तो करना किसी से चाहते नहीं थे खैर लेकिन ठीक है सोनम से चाहते थे सोनम से नहीं हुई माँ ने बोला सावी से कर लो अभी पता नहीं नित्यम की ज़िंदगी में क्योंकि उनके लिए सब कुछ उनका परिवार है और परिवार अगर उनको बिठाएगा उनसे कुछ बोलेगा मुझे ऑर्डर ही देती है मेरी माँ तो कुछ बोलेंगी तो पता नहीं वही शायद मजबूरी में करना पड़े या ना करना पड़े या सरकम स्टांसेस चेंज हो तो देखते हैं आगे हाँ मुझे भी नहीं पता लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं मैंने उनसे बचपन में नित्यम ने उनसे बचपन में एक टाइप मांगा था उनका पुराना तो शायद लेकिन उन्होंने डाइनिंग टेबल पर बोला कि नहीं वो तो नहीं है तो मैं भी आ, सोच रहा हूँ यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा अभी जाऊँगा तो देखूँगा कि आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए यूडी ने इतना बिल्टअप दिया है